सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं, बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं, गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल, हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अच्छे फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए, भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो, एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ, आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ, अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा, किसी स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाएगी, उसमें कोई कामना नहीं है, बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम मंगल जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनि चली प्रदोष आप उसका स्मरण कर, फिर लिखा शिव महापुराण में बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में हो मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है, और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया 4 बत्ती का दिया आटे का उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता संग, मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज, जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से
अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अब भूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए।